हेलो दोस्तों, आज हम सूरदास जी की रचना के बारे में जानेंगे। सूरदास जी की रचनाएं जो हैं वो तीन प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। पहली है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली, तीसरा है साहित्य लहरी के नाम से जानी जाती हैं। तो पहला है सूर सागर। सूर सागर भगवत गीता के आधार पर रचित है। सूर सागर जो है वो भगवत गीता के आधार पर रचित है, जिनमें 1.25 लाख पद थे, लेकिन उसमें से अब लगभग 1 लाख ही पद उपलब्ध हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के प्रेम, गोपियों से उनका विरह और सरल वर्णन किया है। दूसरा है सूर सारावली, इसमें 1107 पद हैं। सूरदास जी की जो सूर सारावली है उसका ही ये एक भाग है। साहित्य लहरी, 118 पद हैं इसमें सम्मिलित। इसमें नायिकाओं और अलंकारों की विवेचन किए गए हैं। कुछ स्थानों पर हमें महाभारत की कथाओं के अंश की झलक देखने को मिलती है। इनका साहित्य में स्थान है। सूरदास जी हिंदी साहित्य में महाकवि थे, हिंदी साहित्य के जो थे महाकवि थे, क्योंकि उन्हें न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सजाया है, कृष्ण और काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया है। काव्य भक्ति कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य में सूर्य के ही समान है। थैंक यू।